हे गाइस स्वागत है आप सभी का इस पर्टिकुलर वीडियो में तो दोस्तों यदि आप आरजीपी बी डिप्लोमा के स्टूडेंट हो आपने दोस्तों अभी लेटेस्ट में एडमिशन लिया है तो दोस्तों आरजीपीबी की जो प्रोसेस होती है उसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना होता है इसके बाद एनरोलमेंट इसी के बाद दोस्तों आपका एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड हो पाता है इसी के बाद आप, आप एग्जाम देना दोस्तों एग्जाम दे पाते हो सो गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों जनवरी में आप लोग के एग्जाम डेट आ चुकी है तो इसके लिए सबसे

लगता है वहां पर भी आप देख सकते हो इसके बाद आपको चाहिए आपका ई मेल मोबाइल नंबर ठीक है और आपके पास दोस्तों यूनियन बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग होना कंपलसरी यदि नहीं है तो कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है इसके बाद आपको एक फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए यहाँ पे इन्होंने बताया ठीक है तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना होगा ठीक है तो ईयर में यहाँ पे 2021 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोग जाओगे तो दोस्तों कोर्स में आपको कोर्स थ्री ईयर का सेलेक्ट करना है डिप्लोमा यदि आप फोर्थ ईयर का है या फिर बी का है तो वो अलग से प्रोसेस

आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी जो भी स्टूडेंट है उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है तो आपको जिसकी भी यानी कि यदि आप स्टूडेंट हो तो आपका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा साथ में दोस्तों यहाँ पे जेंडर भी दिया है डेट ऑफ बर्थ भी फादर नेम भी है आप इसको देखकर वेरीफाई कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको एनरोलमेंट करने से पहले आपको आपका रोल नंबर अलग से यहाँ पे दोस्तों दिया गया है इसको आपको बिल्कुल स्क्रीन ले सकते हो या फिर इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि दोस्तों बहुत ही काम में आगे आने वाला है इसको दोस्तों आप याद ही कर लीजिए क्योंकि आगे पीछे आपको याद करना है ठीक है तो मान लीजिए आपको जिसकी भी फीस पेमेंट करना हो या फिर एनरोलमेंट करना हो उसको आपको

होगा इसकी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल फोन पर भी फिर आपको आर डिप्लोमा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपको करना होगा एनरोलमेंट ठीक है तो एनरोलमेंट कैसे करना है मैं आपको और भी बता दूंगा और एनरोलमेंट की फ़ीस की हम लोग बात करते दो तो, तो पाँच सौ पचास रुपये में आपको फीस लगने वाली है दोस्तों अब हम बात करें कि घर बैठे कैसे कर सकते हैं दोस्तों इसी वीडियो के ठीक नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि भाई मैं आर डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ मुझे है जो रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट कराना है ये रहे मोबाइल नंबर आपको मोबाइल नंबर देना होगा और मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा आपके घर बैठे दोस्तों इनमेंट और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जी हाँ तो यदि आप नए हो आप की हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के की साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद